वेलकम गाइस, क्रेडिट लोन सेफ ऑनलाइन लोन इस एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक है, यहाँ पे आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये देखो कि 3.6 स्टार रिव्यूज़ है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आया है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लोन लिया भी है। तो यहाँ पे पूरी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखा है, तो आप लोगों को एक एक करके बताएंगे इंटरेस्ट रेट से लेके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और रियल एंड फेक ये चीज़ें कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं गाइस। तो पहले इंटरेस्ट रेट आप लोगों को हाई पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गाइस, इंटरेस्ट रेट 30% से 35% के आसपास हो सकता है, प्लस आप लोगों को GST भी 18% यहाँ पे देना पड़ेगा। आप लोगों को प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं देना है, 0% प्रोसेसिंग फीस पे यहाँ पे आप लोग लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट मिनिमम 2000 से मैक्सिमम 50,000 तक लोन यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। रिपेमेंट पीरियड गाइस आप लोगों को इतना भी लंबा नहीं मिलेगा, शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड यहाँ पे मिलेगा। ये लोग बताते हैं कि आपको लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड दिए जाएंगे लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, आप लोगों को शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। रिपेमेंट आप लोग इसी एप्लीकेशन पे कर सकते हो। अगर आप लोग लेट पेमेंट करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आपको ई साइन करना पड़ेगा और आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर ये सारी चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। आपकी एज अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है और आप लोग अगर इंडिया से ही हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कस्टमर केयर का रेस्पॉन्स गाइस फिलहाल के टाइम पे अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएंगे, इतना भी बुरा नहीं है। एप्लीकेशन सेफ है गाइस क्योंकि RBI रजिस्टर्ड NBFC के साथ इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे क्रेडिट लोन सेफ ऑनलाइन लोन के बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इन लोगों ने लिखा है कि RBI रजिस्टर्ड NBFC के साथ इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सेफ ही है। फिर भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी इस एप्लीकेशन पे आते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। पहला तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन मिलते हैं गाइस, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिपेमेंट पे इश्यूज आता है कि लोग रिपेमेंट कर देते हैं लेकिन उसका स्टेटस अपडेट नहीं होता है। काफ़ी लोगों का तो लोन अप्रूव हो जाता है लेकिन उसकी अकाउंट पे मतलब कोई पैसा नहीं आता है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, और काफ़ी लोगों को तो सिंपली रिजेक्शन ही मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों से ये एप्लीकेशन डाटा तो कलेक्ट कर लेता है लेकिन बाद में लोन नहीं देता है। तो ऐसे ही करके काफ़ी सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भी इस एप्लीकेशन पर आते हैं। तो गाइस रिक्सी एप्लीकेशन है, इतना भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप लोग रिक्स लेके अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, अगर आपको लोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है फिर भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है क्योंकि ये एप्लीकेशन आप लोगों से बहुत सारी परमिशंस लेता है, जैसे कि आपकी कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, टेलीफोन, SMS, ये सारी चीज़ों का परमिशन रहता है, एक्सेस रहता है। और अगर आप लोग यहाँ से लोन लेके रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो भी बंदे हैं उन सबको कॉल करके मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आपने लोन लिया था और आपने रिपेमेंट नहीं किया है। तो अगर आप लोग यहाँ से लोन लेते हो क्रेडिट लोन इस एप्लीकेशन से, तो रिपेमेंट भी टाइमली कर देना। ऐसे तो गाइस ठीक ठाक ही एप्लीकेशन है। आप लोग क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में कमेंट पे ज़रूर बताना। मुझे तो बस इतना ही बताना था गाइस कि रिक्स एप्लीकेशन है, अपने रिक्स पे ही अप्लाई करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस।